hello everyone and welcome to market kibate my name is raja venkat raman i'm the co-founder of new trader and also your trading influencer been in the markets for more than 15 years happily married with a loving wife and an energetic son who keeps me on the run just like the markets so friends how are you all doing and uh, what is really happening along the markets yes markets are going all over the place and uh, the way we are uh, looking at the markets it is definitely a bit scary right and uh, overseas markets are also having a challenge holding on to the higher levels और इस भूल भूल के बीच में हमें लग रहा है कि अब क्या होगा whole market seems to be having a very very slippery slide and एंड इसके बीच हमें देखना है कि मार्केट में कैसे काम करेंगे और मार्केट्स में कैसे थोड़े पैसे बनाएंगे बिकॉज दैट्स वॉट इज द एजेंडा ऑफ ऑल ऑफ right राइट सो हाउ यू गाइज डूइंग क्या चल रहा है आपके यहाँ पे हाउ आर यू गाइज फेसिंग द मार्केट्स एंड वॉट आर यू डूइंग टू एंश्योर दैट यू आर देयर इन द गेम राइट मार्केट इज जस्ट लाइक द एफ्रीकन जंगल ऑल ऑफ अस आर ट्राइंग टू फाइंड आउट हाउ कैन आई स्टे अलाइव हाउ कैन आई स्टे अलाइव एंड हाउ कैन आई बी अलाइव फॉर द नेक्स्ट डे सो ईच डे वी ट्राई टू फाइंड आउट वॉट इज द एक्टिविटी टू बी डन

तो आप स्टॉक ले सकते हैं बट देन मेनी ऑफ अस ऑल राइट मेनी ऑफ अस आर इन अ वेरी डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड एंड वी आर नॉट आइदर अ फुल टाइम इन्वेस्टर नॉर एन एक्टिव ट्रेडर और ऐसे हो जाता है कि हम बीच में कभी कभी फंस जाते हैं और काफी लोग हैं जो बीच में फंस कर देखते हैं कि अभी करना क्या है बिकॉज नाइदर द ब्रोकर एज एन आंसर

बट अगर मार्केट नहीं संभलता है और मार्केट और नीचे जाता है या मार्केट वहां से उठता है इट डजेंट मैटर वॉट मैटर्स इज योर अप्रोच सो आपके अप्रोच को देखते हुए मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं कि वॉट आर द टू थिंग्स ओके अगर मैं एक उदाहरण लू तो वॉट वुड बी द टू थिंग्स विच यू ऑलवेज सी वेन यू स्टार्ट योर ट्रेड जब भी आप ट्रेड करने वाले हैं कोई भी ट्रेड लेने वाले हैं So, what are the two things which uh, you take a look at before you go ahead and uh, initiate the trade, right? So, all of you are there who are being actively trading, and uh, you are also actively, uh, you know, participating in the markets. So, what do you guys feel? All right, uh, in trader says uh, momentum, right, trend. Okay, what else? What else do you see? इंटरस इज मोमेंटम इज कंपल्सरी ओके और बाकी लोग क्या देखते हैं बॉडी गाइस डिस्कशन इंटरेस्टिंग एंड लेट मी लेटम फाइंड आउट सो ट्रेंड एंड मोमेंटम सो ट्रेंड और मोमेंटम मोरलेस इज द सेम थिंग ओके वॉट आर द टेक्निकल पैरामीटर्स यू सी इफ यू आर फेमिलियर विथ टेक्निकल एनालिसिस और इफ यू आर एक्सपेक्टिंग ओके

सो so, उसमें मैंने देखा है कि व्हेन यू यूज द कंसेप्ट ऑफ पिवट वैन यूज द कंसेप्ट ऑफ पिवट इट वर्क्स वेरी वेल क्योंकि पिवट uh, ऐसा मल्टी टैलेंटेड चीज़ है और अगर आप पिवट यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है कि ओवरऑल जो सेटअप है कैसा है एंड uh, ये जो सेटअप के साथ आप कोई मोमेंटम इंडिकेटर जैसे कि किसी ने कहा एम किसी ने कहा आर एस आई तो उसको आप जोड़ सकते हैं सो so, कई लोगों ने सुना होगा ये पिवट का नाम बट लेकिन जो पिवट को इस्तेमाल करना है वो इट इज अ वेरी वेरी वर्साटाइल जैसे कि एक स्विस आर्मी नाइफ है तो एक स्विस आर्मी नाइफ के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं सो so, उसी तरह पिवट इज वन वेरी वेरी वर्साटाइल टूल एंड आई कवर आई कवर इट ऑफकोर्स इन ग्रेटर डिटेल इन माई वर्कशॉप्स एंड

इट बिकम्स अ गुड कैंडिडेट फॉर मी टू कंसिडर क्योंकि इफ अ स्टॉक इज क्रॉसिंग द प्रीवियस डेज हाई तो उसका मतलब है कि उसमें काफी लोग एंटर कर रहे हैं और उसे उस स्टॉक को आप जरूर मार्क कर सकते जैसे कि आज आपने देखा जिंदल स्टील अपोलो हॉस्पिटल मार्केट में थोड़ी नमी थी लेकिन दी स्टॉक्स वेर डूइंग वेल बट इवन बेटर देन द अपोलो हॉस्पिटल वॉज कैडिला एंड सिप्ला सो फार्मा स्टॉक्स में काफी अच्छे मूवमेंट दिख रहे हैं आजकल एंड द होल पॉइंट इज दैट इफ इट इज गोइंग टू क्रॉस द प्रीवियस डेज हाई मतलब प्रीवियस डेज हाई के ऊपर चलने से एक इंडिकेशन है कि ये स्टॉक आज चल सकता है सो ऑटोमेटिकली जैसे मार्केट खुलता है यू आर फर्स्ट आई

होल स्ट्रक्चर जो है वो सब आपका फेल हो जाएगा आप कोई भी स्ट्रेटेजी ले सकते हैं कोई भी चीज ले सकते हैं बट लेकिन उसमें आपको देखना है कि पहला या दूसरा एलिमेंट तीसरा एलिमेंट जो है एक सेक्टर के मामले से अगर वो सेक्टर स्ट्रांग है तो उस सेक्टर में आप जाकर देख सकते हैं कि कौन सा स्टॉक अच्छा चल रहा है और उस पर्टिकुलर स्टॉक में आप काम करेंगे सो ऑटोमेटिकली यू आर डूइंग इज यू आर फाइन ट्यूनिंग द प्रोबेबिलिटी क्योंकि पूरा मार्केट जो है ना एक प्रोबेबिलिटी गेम है जब तक आप प्रोबेबिलिटी एस्टिमेशन पे एक पकड़ हासिल नहीं करेंगे यू विल ऑलवेज अ चैलेंज बिकॉज यू आर ओनली गोइंग टू विन व्हेन यू आर एबल टू एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी इफ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट विल टेक अ ट्रेड एंड यू नो इट विल गो हैड एंड मीट द टारगेट यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू प्ले ब्लाइंड तो उसमें क्या है कि आज चलेगा कल नहीं चलेगा बट देन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या वो चीज है जो आप मार्केट में देखेंगे खुलते ही ताकि आपको पता चले कि दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज लुकिंग गुड फॉर अ बाय लुकिंग गुड फॉर अ सेल्फ फॉर एक्जाम्पल येस्टरडेम स्टॉक्स वेर शोइंग सम वीकनेस एंड टूडे दिमेंट स्टॉक्स हैज स्टार्टेड डिक्लाइनिंग क्वाइट इन एडवांस और बाय द टाइम द डे एंडेड सिम स्टॉक्स वे आर वीक सो इस तरह आपको देखना है कि कौन से स्टॉक में क्या मूवमेंट आ रहा है एंड एस्पेशली दीज टू थिंग्स लाइक व्हाट आई टोल्ड यू एज अ टूल व्हिच इज योर एंड अदर इज यू नो हाउ टू चेक वेदर अ पर्टिकुलर स्टॉक इज मूविंग बियॉन्ड आदर द प्रीवियस डे लो ऑन द डाउन और प्रीवियस लो प्रीवियस डेज हाई ऑन द अपसाइड सो उसी तरह अगर जो एक दिन से ज्यादा इंटर से ज्यादा ट्रेड करते हैं आप लोग वीकली का देख लीजिए सो so, ये सब जो चीजें है ना ये सब काफी सिंपल है और प्रॉब्लम क्या है सबको सिम्पलिसिटी पसंद नहीं है सबको कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए तो सब लोग स्ट्रैटेजी के पीछे जाते हैं कॉम्प्लेक्स एल्गोरिज्म के पीछे जाते हैं और इसके पीछे जाते हुए सब लोग अपना जो मानसिक संतुलन है वो तो खो ही देते हैं उसके साथ साथ कैपिटल खो देते हैं और उसके बाद आप देखते हैं कि अभी मैं कहाँ से मार्केट में पैसा लाऊं टू पार्टिसिपेट अगेन सो दिस इज वाई आई आस्ट अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन कि वॉट आर द इंडिकेटर्स विच यू आर सींग एंड द काइंड ऑफ इंडिकेटर्स विच आई विल वेरी क्लियरली गिव यू वेरी वेरी सिंपल वेज It will give you very, very simple ways to look at uh, the markets and uh, it will give very, very good confidence on approaching. Right? So, if you are able to understand what I have said, then uh, if you start applying it, you will have a lot of uh, interesting insights into the way you are approaching. EMA is another moving average, it's an exponential moving average and uh, it's very good you can use an ema there are many systems which are designed on emas and ema is a preferred moving average when it comes to your uh, systems because uh, they respond respond closely to the price action right any of you guys are having any questions on uh, what i shared अगर आपके पास और कोई भी इंडिकेटर्स है या और कोई भी चीजें आप यूज करते हैं तो गो शेयर इट लेट मी सी आर यू गाइज यूजिंग एंड हाउ आर यू गाइज इंटरप्रेटिंग इफ यू फाउंड वॉट आई मैंशन टू बी इन लाइन विद वॉट यू आर थिंकिंग यू कुड गिव अ कमेंट ऑन दैट एज वेल सो वॉट इज द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट की बातें इज वॉट यू हैव टू डू यू नो वॉट यू हैव टू डू to get across and connect with the market that's what is my objective yes uh, you can definitely meet me i keep uh, i keep holding a lot of workshops so you can get in touch if you're interested my next workshop is coming up on uh, may 8th so if those of you who are interested to know more about market reading and uh, i show pivots in various kinds of ways and uh,

And uh, holding on to the trades is something bit of a challenge, but then ADX gives very very good, very very good uh, approach. Yeah, Pranav, uh, how to select stocks? A very good question, and uh, that is what I'll be covering uh, in a webinar in on Thursday. You could uh, send us a direct message, and uh, we'll send across the link to you. Yes, B T S T will also be covered. Uh, in the workshop I believe you are asking, yes the workshop covers all kinds of uh, approaches be it positional trading, be it options trading, be it uh, you know even uh, BTST trade because I'm, I cover various kinds of strategies almost uh, 10 strategies I cover which takes care of all types of market condition and uh, all the strategies which I cover as part of that workshop is for ensuring that you are getting an idea.

So market hai, market is about how we are coming and approaching the market with whatever knowledge we are having. And sadly, okay sadly, the way the traders are learning about participation is very very limited and it's sometimes it's broken. So the best way would be learn it properly, understand it and uh, the whole thing. राइट एंड द होल थिंग विल कम टूगेदर एंड दैट्स वॉट इज द होल एजेंडा वेन एवर आई सेट आउट टू ट्रेड वेन एवर आई सेट आउट टू शेयर बिकॉज आई आई नो दैट ऑल ऑफ अस आर अवेयर अबाउट द मार्केट बिकॉज मार्केट इज वेरी सिंपल जैस टू क्लिक ऑन बाय एंड क्लिक ऑन सेल बट देन बाय और सेल के बीच में जो दुविधा होती है दैट्स वॉट इज द बिगेस्ट चैलेंज एंड दैट्स वॉट अ कीप ऑन डूइंग It's not that uh, I am out of uh, the game, or I am. I am uh, you know, I am very uh, sane and I am very calm. It happens, but then I know how to bring myself back, and uh, that's what is the refinement, and that's what I said—a very, very simple and powerful thing which I shared with you today. You try implementing it, and uh, you will see that you will have tremendous results in your trading. And those of you who'd like, who like to know more about us. Just uh, send us a direct message, our team will get in touch with you, right? So, thank you everyone for joining in and uh, thank you for uh, connecting with us. We also have our uh, YouTube channel where you will get to know a lot of things about markets and also understand chart advice profits for you. You could uh, subscribe to our YouTube channel as well and uh, stay connected on our handle because we are here not only. To educate you, we are here to transform you into a profitable trader. Right? Thank you so much for joining in. If you have any uh, questions, you can send us a direct message. Somebody from our team will get in touch. Till then, till the next market Gipati episode, thank you for watching. Have a good day. Stay safe. Stay healthy. Right? Like, uh, Praful, higher the EMA, more difficult it is. Yes, a happy Ram navami to all of you. Good night.